हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर यानी अकेडमी में। जैसे कि हम आपके सामने आज फिर से लेकर आए हैं जो आपकी एयरफोर्स रैली भर्ती चल रही है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे हम बात को बताने वाले हैं एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं आपके सामने, ठीक है, जो जैसे कि हमें न्यूज़ मिली है कि रनिंग और DFT टेस्ट नहीं हो रहा है, जैसे कि सुनने में आया है रनिंग और DFT टेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। और आपका इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स बिल्कुल इजी आ रहा है, बिल्कुल फॉर्मूला बेसिस आ रहा है, ठीक है। तो सारा एनालिटिक हम इस क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट देखना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हम आपको एक ऑडियो सुनाने वाले हैं, ठीक है। आप ऑडियो सुनने वाले हैं तो आप ये ना कहना कि ये ऑडियो किसी और की है, ठीक है, हमारे पास कहीं से आई है ऑडियो, तो आप सुनेंगे इसको। मतलब अभी जहाँ पे जो क्वेश्चन लेवल पेपर रहा वो मैं यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग प्ले करके सुनाने वाला हूँ। सो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये जस्ट मैंने अभी कुछ देर पहले, मतलब जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो टाइम है 9:58 और मैंने बात की 9:43 पे। सो स्टार्ट करते हैं। बोलो भाई, बता भाई कैसा पेपर रहा? सुनो, एक है कि आपका एक्टिव पॉलिसी वाइज एक क्वेश्चन है और एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा। पहले ये बताओ पेपर कैसा रहा, पेपर मतलब लेवल कैसा था? सर गया ना पेपर आसान, बहुत आसान था। स्टार एग्जाम के कंपैरिजन में पेपर कैसा था? अरे भाई मैंने तो स्टार एग्जाम दिया नहीं लेकिन मेरे हिसाब से तो आसानी है। अच्छा ठीक है। अब ये बताओ एक्स ग्रुप का था ना इधर कानपुर पे? तो ही कानपुर पे तो एक्स ग्रुप का ही था ना? हाँ कानपुर से एक्स ग्रुप का था। अच्छा भाई ये बताओ आप कानपुर से हो ना? अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो पहले टॉपिक पे बात कर लेते हैं फिर वापस आता हूँ। हाँ तो अभी उसके बाद फिर इंग्लिश का कितना, मतलब वही 20 क्वेश्चन तो कैसा रहा? मतलब कि 20 क्वेश्चन थे तो इजी और हार्ड कौन से लेवल पे, कहाँ पे थे क्वेश्चन? इंग्लिश में क्या है कि प्रीपोजिशन का बहुत आसान क्वेश्चन, ए एंड द वाले, बस बहुत आसान। मतलब जैसे ऑनरेबल लिखा था, अब ऑनरेबल में एंड लगेगा ये, मतलब ये एक मतलब प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन से सॉरी। और एक्टिव पैसिव वाइज बहुत आसान थे। और क्या था? डायरेक्ट होगा। कॉम्प्रिहेंशन नहीं, एक कॉम्प्रिहेंशन पूछा था, बहुत आसान कॉम्प्रिहेंशन। सिनोनिम एंटोनिम एक था, मतलब जितने भी आते हैं सब एक एक थे उसमें। अच्छा पेपर मतलब ठीक था ओवरऑल? आसान था मतलब। और उसके बाद मैं बात करता हूँ मैथ्स का, तो मैथ्स कैसा था, किस लेवल का था? देखा जाए तो सिर्फ अगर फॉर्मूले देख के चले जाते हैं तो फिर काम हो सकता है। मतलब अच्छा फॉर्मूले पे सिंपल से थे, लाइक अभी स्टार एग्जाम पे भी देखा था बहुत सिंपल से क्वेश्चन आए थे मैथ के। तो प्रॉपर्टीज एकदम जैसे उसका इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज होती है ना, माइनस पाई से पाई फंक्शन एट ए माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो वाली जो प्रॉपर्टी नहीं होती। हाँ समझ गया मैं। तो वो वाली प्रॉपर्टी क्वेश्चन आए थे। अच्छा कैलकुलस का थोड़ा सा वेटेज था। किसका? कैलकुलस का। कैलकुलस का वेटेज थोड़ा था। अच्छा ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं फिजिक्स का, फिजिक्स का देखा जाए तो फिजिक्स में अगर आप सिर्फ फॉर्मूले पढ़ के चले जाओ ना, कोई अगर फॉर्मूला चार्ट आपको मिल जाए 11th 12th का, वही फॉर्मूले पढ़ लो बस काम हो जाएगा, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब नॉर्मल सा फिजिक्स भी आया हल्का सा? एकदम नॉर्मल सा है, एकदम वो नहीं कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करके उसका निकालना है, बस सिंपल फॉर्मूला। जैसे रिलेटिव परमिटिविटी का क्वेश्चन आया था, और क्या क्वेश्चन आया था यार, करंट निकालने का कि उसमें v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा t, i इक्वल टू i नॉट साइन ओमेगा t, निकालो पावर फैक्टर निकालो, ठीक है। हाँ तो p इक्वल टू a v नॉट i नॉट बाई 2 वाला होता नहीं फॉर्मूला? हाँ समझ गया। तो ये सब मतलब फॉर्मूले से काम चल सकता है आपको पूरी तरह से, मतलब ओवरऑल पेपर इजी था मेरे हिसाब से तो इजी था भाई। अच्छा टोटल जितने कैंडिडेट बचे थे उसमें फाइनल 28 सेलेक्ट हुए थे ना आपने बोला था? हाँ मैं तुमको नंबर बताता हूँ, देखो रुकना अभी रुकना, अभी बोल देना कुछ। तो दोस्तों चैनल को तो जल्दी सब्सक्राइब और वीडियो कर दो सबसे लोग लाइक, क्योंकि हम मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टाटा, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।